Hello everyone, welcome to our YouTube channel, myself Arvind Yadav. In this video, I will explain about the mathematical calculation. तो आज की हम इस वीडियो में मैथ के स्क्वायर कैलकुलेशन, मैथ में स्क्वायर टॉपिक को स्क्वायर कैसे कैलकुलेशन फास्ट करें, जैसे कि हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 सेकेंड में आप 125 तक के स्क्वायर विथ इन सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर आप कर सकते हैं। तो इससे पहले हम, जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी 3435 पोस्ट आई है और इसके एग्ज़ाम होंगे 6 जून 2022 को, और काफ़ी कम समय है इसके लिए। आपको एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी यूट्यूब सीरीज पर हर रोज़ 1-2 वीडियो अपलोड की जाती हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। उसके साथ ही हम मध्य प्रदेश के GS, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और तथा टेक्निकल सब्जेक्ट भी सब सब्जेक्टों को पढ़ाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है स्क्वायर। इससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। इन केस ऑफ एनी डाउट काइंडली कॉन्टैक्ट मी, मैसेज मी। तो आज का हमारे वीडियो का टारगेट है कि 1 से 125 तक के स्क्वायर को मेमोराइज कैसे करें। तो इसको मेमोराइज नहीं करना है, बल्कि आपको एक ट्रिक के थ्रू याद कर लेना है, ट्रिक को समझ लेना है, जिससे कि 125 तक के स्क्वायर निकालने आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आपको बहुत सारे लोगों को याद रहता है, जैसे कि और कुछ लोगों को नहीं याद रहता है। जैसे कि 1 का स्क्वायर की बात करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, उसके बाद 11 का स्क्वायर करें तो 121 होता है, उसके बाद 12 का स्क्वायर करें तो 114 होता है, 144 होता है। उसी तरह अगर हम 13 का स्क्वायर की बात करें तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 196 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225। उसके बाद हम 16 के स्क्वायर की बात करें तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 256 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 का स्क्वायर जो कि 289 होता है। उसी तरह 18 के स्क्वायर की बात करें तो 18 का स्क्वायर होता है 324। उसी के साथ हम बात करें 19 के स्क्वायर की, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। उसके बाद 20 के स्क्वायर की बात करें तो 20 का स्क्वायर 400 होता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 21 का स्क्वायर 441 होता है। उसके बाद 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो 484 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो 529 होता है। उसके बाद 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है। उसके बाद 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो इतना तो जनरली सबको याद होता है, लेकिन इस वीडियो में हम इतना तो याद रहता ही रहता है, उसके साथ ही हम और टेक्निक बताएंगे। तो हम 3 मेथड बताएंगे जिससे आप आसानी से बिना स्क्वायर, तो 1 से 25 तक तो सबको याद है, और उसके अलावा 25 से 125 तक कैसे याद करें समझे, तो इसके लिए हम 3 मेथड बताएंगे, जो 3 मेथड आप पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जैसे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ए स्क्वायर दिए गए हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 48, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 122, 12 का स्क्वायर 114। उसी तरह 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 226, 256, 256। इसी तरह यहाँ पर 100 तक की टेबल दी गई है, जिसको स्क्रीनशॉट आप लेके समझ सकते हैं, लेकिन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ट्रिक के थ्रू आपको याद करवा देंगे। इस तरह से जैसे कि ये टेबल दी गई है 1 से 50 तक की स्क्वायर करने की। उसके अलावा हम परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि ये भी टेबल उसी की है कि स्क्वायर कैसे होता है, 23 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर हर नंबरों की है। तो अब हम आते हैं मेथड फर्स्ट पे, और मेथड फर्स्ट क्या है,
तो मेथड फर्स्ट पर हम आते हैं। तो मेथड फर्स्ट है जैसे कि आपको 1 से 25 तक की स्क्वायर याद है। जैसे आपको 37 का स्क्वायर निकालना है, तो 37 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो बिना तो आप पहला तो एक मेथड आप वो जानते हैं कि जैसे 37 × 37 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 होगा, 49 होगा, फिर 4 कैरी करेंगे, उसके बाद 21 होगा, उसके बाद 2 5 होगा, उसके बाद फिर 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो फिर 21 होगा, 21 में 2 कैरी जाएगा, फिर 3 में करेंगे तो 9 होगा, 2 कैरी एड होगा तो 11 होगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, यानी 1369। लेकिन इतना मेथड हमें नहीं करना है, इतने इतने के लिए ना हमारे पास टाइम है ना समय है। लेकिन हम आसानी से कैसे करें इतने आसान तरीके से जो कि विथ इन 10 सेकेंड के अंदर, तो इसके लिए हम बता रहे हैं। तो जैसे कि आपको 37 का स्क्वायर करना है, तो 37 को कैसे लिख लीजिए आप इसको। अगर पहले ही हमारा प्रोसेस है कि लास्ट के 2 डिजिट निकालना है, जैसे कुछ क्वेश्चनों में लास्ट के दो प्लेसेस पर क्या होगा, तो जैसे इस क्वेश्चन में हम बिना सॉल्व किए ही हम बता सकते हैं कि 69 होगा लास्ट की 2 डिजिट, और जो 4 होगा, जैसे हमें कोई बोले कि 38 का क्या होगा, तो 38 का लास्ट डिजिट होगा कितना, तो इसका लास्ट 2 डिजिट होगा 44। और बाकी जैसे कि कोई बोले कि 35 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो लास्ट 2 डिजिट हो गए 25। उसी तरह अगर बोले कोई 36 का, तो 36 का लास्ट डिजिट होता है 96। ऐसा आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कैसे। जैसे कि आपको 37 का स्क्वायर करना है, तो 37 के स्क्वायर को आप दो इस फार्मेट में लिख लीजिए, 50 − 13। अगर 50 − 13 लिख लिए और इसके बाद स्क्वायर किए, तो हम जानते हैं कि a − b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² − 2ab। तो हम ऐसे लिख देते हैं, 50 का स्क्वायर मतलब a², 13 का स्क्वायर, फिर −2a यानी 50 × b 13। तो क्या होगा, 50 का स्क्वायर 2500, 13 का स्क्वायर 169, और इसका ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 100 हो जाएगा, और इस तरह से 1300 आ गया। तो जैसे हम एक चीज़ नोटिस करते हैं, इसमें लास्ट के 2 डिजिट 00 है, ये 200 है, तो इस इन दोनों पर हमें डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस पर करेगा, तो 169। 169 कैसे आया, तो ये 13 पर डिपेंड किया, और 13 जो कि हम घटाए हैं, तो यानी लास्ट 2 डिजिट किस पर डिपेंड करता है, 69 पे। एक बार फिर से समझते हैं, जैसे कि 37 है, तो 37 को हम 50 − 13 लिख दिए, इसको स्क्वायर कर दिए, उसके बाद a² − b² का फार्मूला लगाए, ये 50 − 13 लिख दिए, उसके बाद a² + b² − 2ab किए, उसके बाद 2500 आया, उसके बाद ये 169 है और 1300 है। अगर 2500 में 1300 घटा भी देते हैं तो 1200 होगा, और 1200 + 169, तो हम देखेंगे कि 69 लास्ट में 2 डिजिट आया, ये जोड़ दिए, यानी 1369 आंसर हो जाएगा। लेकिन तो कभी कभी क्वेश्चन में अगर लास्ट की 2 डिजिट पूछे, तो 69 हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं और उसे समझते हैं। जैसे कि 34 है, तो 34 को कैसे स्क्वायर निकालना है, तो इसको कैसे निकाल लेंगे, 50 के फार्मेट में लिख देंगे, 50 − 16, इसको करेंगे 50 का स्क्वायर + 16 का स्क्वायर + 2 × 50, यहाँ पे माइनस होगा, और × 16, तो 50 का स्क्वायर 2500, फिर 16 का स्क्वायर 256, और इधर दोनों 100 यानी 1600। तो फिर इसमें भी हम देखेंगे 2 डिजिट 2 डिजिट, ये 2500 में 2 डिजिट और 1600 में 2 डिजिट, तो यानी दोनों डिजिट 00 जो होंगे, तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 56 होगा। यानी टोटल हम देखते हैं कि जो लास्ट जो जिससे हम घटाते हैं उसी पर डिपेंड करता है, यानी a − b यानी b वाले टर्म पर ही डिपेंड करता है। उसी तरह जैसे कि हम 33 का स्क्वायर करते हैं, तो 33 में से किससे को घटाएंगे, तो 17 में, और 33 में से किससे घटाएंगे, तो 17, और 17 का स्क्वायर होता है 289, यानी लास्ट की 2 डिजिट क्या होगी, हम डायरेक्ट देखे ही 89 कर दिए, कैसे कर समझ गए हम 89 होगा, तो इसे इस तरह समझे, 50 − 17, और हाँ, और ये डिपेंड किस पर करता है, तो जो सेकंड वाला टर्म होता है उस पर। अगर हम 27 की बात करें, तो 27 को हम ऐसे देखे ही, उसके बाद हम 50 − 23 कर दिए, तो 23
और 23 के कितना होता है, तो 529 होता है। तो इसका लास्ट टू डिजिट क्या होगा, 29 होगा, यानी जो 29 जिस नंबर में होगा वही इसका स्क्वायर होगा। अगर हम 39 का ही लिखते हैं, तो 39 के लास्ट में क्या होता है, 11, यानी 50 माइनस 11। तो किस पर डिपेंड करेगा, 11 पर। 11 का क्या होता है, 121, और 21 लास्ट की टू डिजिट क्या होगी, 21 होगी। अगर हम इसी तरह 44 का देखें, तो 44 में क्या होगा, तो 50 माइनस 6 स्क्वायर, तो 50 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 56, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 पर ही डिपेंड करेगा, तो 6 का स्क्वायर 36, यानी 36 पर ही डिपेंड करेगा। यानी 44 का लास्ट का टू डिजिट, 44 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट का टू डिजिट 36 होगा। अब आते हैं कि तो इस तरह से हम लास्ट के टू डिजिट देख के बता सकते हैं। जैसे कि आपको निकालना है 1292 स्क्वायर, तो 1292 स्क्वायर निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम सीधा 1300 के टर्म में लिखते हैं, 1300 माइनस 8। तो हम देखेंगे कि ये डिपेंड किस पर कर रहा था, तो 8 पर कर रहा था, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, यानी जो भी स्क्वायर आएगा उसका लास्ट का टू डिजिट 64 ही होगा, यानी जो भी स्क्वायर आएगा उसका लास्ट का टू डिजिट 64 होगा। जैसे सपोज करिए कि 191 स्क्वायर निकालना है, तो 191 स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 200 माइनस 9, और 9 डिपेंड करेगा, 9 मतलब 81, यानी लास्ट का टू डिजिट क्या होगा, 81 होगा। सपोज करिए कि 186 है, 186 को कैसे लिख सकते, स्क्वायर निकालना है, तो इसका लास्ट का टू डिजिट क्या होगा, तो हम सीधा करते हैं 200 माइनस 14, और 14 का स्क्वायर क्या होगा, 196, और लास्ट का टू डिजिट क्या होगा, 96। अगर हम 87 का स्क्वायर लिखें, तो 87 को कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 13, 100 माइनस 13 लिखे तो इस किस पर डिपेंड करेगा, 169, तो लास्ट का टू डिजिट क्या होगा, 69 होगा। अगर हम इसी तरह 83 करें, तो 83 का कैसे होता है, तो 100 माइनस 70, और 70 करेंगे तो हमारे 70 किस पर डिपेंड करेगा, 289, और 289 का लास्ट डिजिट क्या होता है, 89। तो इस तरह से आई होप ये वाला पहला मेथड समझ में आ गया होगा। अब इसको पूरे कंप्लीट कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमें कैलकुलेशन निकालना है 37 का, तो 37 का कैलकुलेशन कैसे हम निकालेंगे, तो 37 का कैलकुलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको जैसे कि हम इस तरह फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे 26 निकालना है, तो 26 25 से कितना ज़्यादा है, 25, तो इसमें हम 26 माइनस 25 कर देंगे, तो कितना होगा, 1 होगा, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ये 50 में से कितना माइनस होता है, तो ये 50 माइनस 26 करेंगे, तो 50 माइनस 26 कितना होता है, तो 50 माइनस 26 24 होता है, तो 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। तो 576 को कैसे लिखेंगे, 7, 6 और 5 नीचे लिख देंगे, तो इस तरह जोड़ेंगे तो 676, यानी 26 का स्क्वायर कितना होगा, 676 होगा। इसको हम अच्छे से समझाते हैं। जैसे कि आपको 26 का निकालना है, तो 26 को निकालने के लिए हम सबसे पहले इस तरह से एक ऊपर लिखते हैं और एक नीचे लाइन बनाते हैं, तो ये 25 से कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है, ठीक, और ये 50 से कितना कम है, तो ये 50 से 24 कम है, तो 24 कम के का क्या करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने पर कितना आता है, 576, और इसको एक को इधर लिख देंगे, उसके बाद 576 इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 76 और 6, यानी 676। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे कि कोई भी रैंडम नंबर 33 लेते हैं, 33 का स्क्वायर करना है, तो 33 का स्क्वायर करना, तो ये 25 से कितना ज़्यादा है, यानी इस तरह से अगर ना समझ में आए तो 33 माइनस 25 कर लीजिए, तो 33 माइनस 25 कितना होता है, तो ये 8 होता है, तो यहाँ पर 8 लिख दिए, ठीक। उसके बाद ये 50 में से 33 घटाने पर कितना होगा, तो 50 माइनस 33, 33 घटाएं तो कितना होगा, 17, और 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 289, और 289 को अगर हम ऐड करें तो 289, तो 289 मतलब 89 तो यहाँ रहेगा ही, और 2 जो होगा वो कैरी आ जाएगा, यानी 89 89 100, यानी आंसर हो गया 100 1089, यानी 33 का स्क्वायर 1089 होगा। अगर मान लीजिए कि आपको 34 का स्क्वायर करना है, तो 34 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ये 25 से कितना ज़्यादा है, तो 25 से ज़्यादा है 9, तो सीधा 9 लिख दिए। उसके बाद इसमें कितने कम है, तो ये 16 कम है,
यानी 50 में 16 कम है, तो 16 का स्क्वायर 256, तो 56 यहाँ लिख लेंगे और उसके बाद 2 यहाँ लिख लेंगे, तो कितना होगा, तो 56 और 11, 11 56 34 का स्क्वायर हो जाएगा। उस तरह से अगर मान लीजिए 36 का निकालना है, तो 36 के निकालने के लिए कितना होगा, तो 25 से ज़्यादा यानी 11, तो 11 ऐसे लिख लिए। उसके बाद कितना कम है, तो 50 में कितना कम है, तो 14, तो 14 का स्क्वायर किए तो 196 आया, तो 196, तो 96 यहाँ लिख लिए और उसके बाद एक यहाँ लिख लिए, तो कितना होगा 9621 यानी 1296 36 का स्क्वायर हो गया। अगर उसी तरह हम कोई भी नंबर 41 लेते हैं सपोज कीजिए, तो 41 कितना ज़्यादा है, तो 25 से कितना ज़्यादा है, तो 25 से ज़्यादा है 5 और 10 और 12, तो 12 ज़्यादा है ठीक। उसके बाद 50 से कितना कम है, तो 50 से 9 कम है, तो 9 के स्क्वायर का हो 89 यानी 12 और 89, इस तरह से इसका आंसर हो जाता है। तो 41 का स्क्वायर 12, 89, 41 तो 12 हो गया और 9 हो गया, तो 9 का 81, 12 89 हो गया। अगर 42 का स्क्वायर निकालना है, तो 42 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें कितना करेंगे, तो ये 25 से कितना ज़्यादा है, तो ये कितना, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था, जैसे कि 42 का निकालना है, तो 42 में कितना ज़्यादा होगा, तो 42 में फोर्टी टू माइनस 25 कितना होता है, तो 42 माइनस 25 होता है सीधा, अगर हम देखें तो 42 माइनस 25 होता है 5, 12, 5, 15, 17 होता है, तो 17 को 17 ही लिख लेंगे ठीक। उसके बाद इसमें कितना कम है, तो 8, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इसे लिख लेंगे 64, तो सीधा 42 का स्क्वायर 764 हो गया। अब कोई भी नंबर जैसे सपोज कीजिए 57 लिखना है, तो ये 25 से कितना ज़्यादा है, यानी सीधा इसे करेंगे 57 माइनस 25 और इधर करेंगे 50 से ज़्यादा यानी 7 ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा 57, तो ये कितना ज़्यादा है 57, 25 25 और 32, तो इधर 32 लिख लेंगे इस आगे और उसके बाद इसको 49 लिख लेंगे, तो यानी सीधा 32 से 49 आ गया। सपोज कीजिए कि आपको 58 निकालना है, तो इसका सीधा क्या करेंगे, ये 33 ज़्यादा है, तो सीधा 33 लिखेंगे, उसके बाद इसमें 8 ज़्यादा है यानी 8 64 यानी 33 36 हो गया। अगर सपोज कीजिए कि 59 लिखना है, तो 59 कैसे लिखेंगे, तो 59 निकले के लिए 25 से कितना ज़्यादा है, तो ये 25 से, तो 25 9 34 ज़्यादा है। उसके बाद इधर कितना कम है, कितना ज़्यादा है, तो 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 ज़्यादा है, तो 9 का होता है 81, तो इसका स्क्वायर हो गया डायरेक्ट 59 का 81, 3481 स्क्वायर हो गया। अगर सपोज कीजिए कि कोई 63 बोल दिया, तो 63 का कैसे निकालेंगे, 25 से कितना ज़्यादा यानी 63 माइनस 25 ठीक। उसके बाद दूसरा नीचे कर दिए, इसमें 13 ज़्यादा है, 50 से 13 ज़्यादा है, तो इधर का हो गया स्क्वायर 169 और इधर का हो गया 25 और 25, 25 10 35 और 35 3 38, तो इधर हो गया 38 और इधर हो गया 691, तो कितना हो गया 6993 यानी 3969, इसका 36 का स्क्वायर हो गया। अगर सपोज करिए कि आपको 75 का निकालना है, तो 75 को कैसे लिखेंगे, तो ये 25 से कितना ज़्यादा है, तो ये 25 से 50 ज़्यादा है ठीक। उसके बाद ये इधर ये 75 माइनस 50 कितना होता है, तो 25 होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625 को 25 ऐसे लिखेंगे, 6 यहाँ से लिखेंगे, तो 2565 यानी 5626 75 का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप ये मेथड समझ में आया होगा, जैसे कि कोई भी नंबर आप बोलिए उसके हिसाब से हम कर देते हैं, जैसे कि आप 67 ही बोल लिखिए, 67 को, तो ये 25 से कितना ज़्यादा है, यानी सीधा 67 माइनस 25, तो कितना होता है, तो 25 और 25 10 35, 25 हो गया और 25 में अगर हम 17 जोड़ देते हैं, तो 25 17 हो जाता है 42। उसके बाद इसमें 7 ज़्यादा यानी ये 13 ज़्यादा, 17 ज़्यादा है, तो 17 ज़्यादा का मतलब क्या होता है, 289, तो इसको लिख सकते हैं 89 उसके बाद 2 यानी 8944 8 यानी 67 का 4489 हो जाता है। इस तरह से आई सब मेथड हो जाते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं दूसरे मेथड पे।
और दूसरा मेथड क्या है, मेथड टू सेकंड क्या है, जैसे कि आप 25 का स्क्वायर करते हैं तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। वहीं अगर 24 का स्क्वायर करते हैं तो 576 होता है, और वहीं 26 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, तो 26 का स्क्वायर होता है 676 होता है। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो 100 का गैप है। ठीक, अगर वैसे ही हम एक और नंबर लें, जैसे कि 25 ले लिए और इधर 23 ले लिए और इधर तीन इधर दो बढ़ा दिए, 25 में से दो इधर माइनस कर दिए और इधर दो बढ़ा दिए, दो ऐड कर दिए, दो मतलब ऐड कर दिए मतलब 27, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 27 का स्क्वायर कितना होता है, तो 27 का स्क्वायर होता है 729। तो आप क्या देखेंगे, अगर यहाँ पर दो का गैप है तो इन दोनों के बीच में 200 का गैप आ जाता है, अगर उसी तरह यहाँ पर तीन का गैप होगा तो 300 आ जाएगा। यानी सपोज कीजिए कि आप 25 में चार का गैप लीजिए, 25 में चार यानी 25 का अगर चार ऐड कर देते हैं तो कितना होता है, 29, और इधर 25 में चार माइनस कर दिए तो कितना होगा, 21। ठीक, तो 21 का स्क्वायर आप जानते ही हैं, 21 का स्क्वायर होता है 441, और इधर 625। तो अगर हम इसमें चार, इसमें कितना गैप है, तो चार, तो 400 का अगर हम मल्टीप्लाई इसमें करें तो कितना हो जाता है, अगर 400 हम ऐड कर दें तो 400 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 841, यानी 29 का स्क्वायर डायरेक्ट 841 आ गया। इस मतलब अगर चार का गैप है तो 400 ऐड करेंगे, दो का गैप है तो 200 ऐड करेंगे, तीन का गैप है तो 300 ऐड करेंगे, यानी इन विथ रिफरेंस ऑफ 25, 25 से जितना कम उतना ज़्यादा। इसको दूसरे मेथड से समझिए, जैसे कि आपको किसी ने बोल दिया कि 37 का निकालना है, तो 37 के निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो हम 25 का जानते हैं, तो 25 का जानने के लिए कैसे करेंगे, तो 25 का स्क्वायर, जैसे कि हम 37 का निकालने का पहला मेथड हम बताए कि 37 × 37 और इसको मल्टीप्लाई करके उसके बाद वैल्यू निकालना, एक मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड हमने ये बताया कि 37 को निकालना है तो 37 को ऐसे लिखिए, उसके बाद इसमें 25 कितना ज़्यादा, 25 से कितना ज़्यादा है, तो 25 से कितना ज़्यादा है तो इसको लिख दिए, जैसे कि ये 12 हो गया था, और उसके बाद इसमें से कितना कम है, 50 में से कितना कम है तो 13 हो गया, और 13 का स्क्वायर कर दिए जो कि 169 होता है, तो 69 यहाँ पर लिखे, 1 यहाँ पर लिखे, तो हमारा आ गया 1369। तो इस तरह से एक में आंसर आया था। तो एक मेथड एक, दूसरा मेथड ए, और तीसरा मेथड हम बता रहे हैं। और तीसरा मेथड क्या है, जैसे 37 का निकालना है तो 37 में अगर हम 50 13 जोड़ देते हैं, 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 जोड़ देंगे तो 50 होगा, अगर 13 घटा देंगे तो कितना होगा, तो 13 घटा देंगे तो हमारा 13 घटा देंगे, जैसे 13 घटा देंगे तो 4 और 1 दो 24 हो गया। तो 37 का हमें निकालना है, तो 50 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 25 00, वही 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576। तो कितना का गैप हुआ, तो ये गैप 13 का हुआ, जैसे हम दूसरे मेथड से समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए 109 जैसे 25 है, जैसे 25 को हम लिख लिए, ठीक, उसके बाद हमें इससे 12 बढ़ाना है, यानी 12 अगर हम इसमें 13 घटा दिए तो क्या होगा, 13 अगर हम माइनस किए तो क्या होगा, 12 आ गया, और इसमें 13 जोड़ दिए, यानी 13 जोड़ दिए, 13 जोड़ने पर क्या होगा, तो 13 जोड़ने पर 38 हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम 12 का स्क्वायर देखें तो कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, जो कि सबको याद रहता है। उसके बाद 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और हमें निकालना है 38 का स्क्वायर, तो हम क्या देखेंगे, 1300, यानी 1300 का डिफरेंस है, तो इसमें क्या जोड़ के, 13 का डिफरेंस है तो इसमें कौन सा चीज़ जोड़ेंगे, 1300 जोड़ देंगे, यानी 144 में 1300 जोड़ेंगे तो 4 4 4 4, उसके बाद 41, यानी 1444 आ जाएगा, यानी हम जितना गैप रखेंगे उतना ही का डिफरेंस आएगा, यानी इसमें 1300 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। जैसे सपोज कि 37 का हम निकाल रहे थे, तो 37 का निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, तो हम 1300
13 का गैप ले रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि 25 है, तो 25 में हमें 37 का निकालना था, ठीक। तो 37 में हमें कितना गैप था, तो 37 में गैप था, 37 में कितना का गैप जोड़े थे, तो 37 में हम जोड़े थे 12, 5 और 12, तो इधर 12 का गैप हो गया, तो इधर इसमें से 12 जाएगा तो 13 हो जाएगा, तो इधर 12 माइनस किए, इधर 12 प्लस किए, ठीक। 25 में, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 की स्क्वायर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और अगर इसमें से हम 1200 जोड़ दें, अगर तो 1200 जोड़ने पर कितना गैप है, तो 1200, तो 1200 जोड़ते थे यहाँ तक, तो 6931 यानी 1369 आ जाता है, यानी 37 का स्क्वायर 1369 आ गया। अगर सपोज़ कीजिए कि 36 का स्क्वायर निकालना है, तो 36 को कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम बता रहे हैं, जैसे 25 है, 25, 36, 36 का स्क्वायर निकालना है, तो किसके रिफरेंस में कितना ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, एक किधर 25 से कितना ज़्यादा है, तो 25 से 11 ज़्यादा है, ठीक। उसके बाद 25 से हम कितना माइनस करेंगे, तो 11 माइनस, यानी 11 माइनस कितना होता है, 14, मतलब 11 माइनस कर दिए तो यहाँ पर 14 आ गया, 14 का कितना होता है, 196। अगर इसमें 1100 जोड़ दिए तो कितना हो गया, तो 1100 जोड़ दिए तो सीधा हो जाता है 9621, यानी 1296, यानी 36 का स्क्वायर 1296 हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर निकालने के लिए सीधा सा अगर निकालना है तो 25, इन रिफरेंस ऑफ 25, जैसे कितना 33 का सपोज कीजिए निकालना है, तो 33 का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले 25 लिखेंगे, उसके बाद तो ये 25 से कितना ज़्यादा है, तो 25 से 8 ज़्यादा है, ठीक। उसके बाद तो इधर 8 घटा देंगे, तो 8 घटाएंगे तो कितना होगा, तो ये 17 हो जाता है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 हो गया, और इसमें 8 का गैप है, यानी 8 का गैप है तो मतलब कितना हुआ है, 800 जोड़ देंगे, तो 800 जोड़ेंगे तो 1089 हो गया, 1089 यानी 33 का स्क्वायर 1089 आ गया। इसको हम अगर समझें, अगर मेथड के हिसाब से कि कैसे होता है, सपोज कीजिए कि जैसे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को हम लिखते हैं ए प्लस डी कर दिए, ठीक, और दूसरा इधर से इधर माइनस डी कर दिए, इधर प्लस डी कर दिए, तो इधर ए प्लस डी हो जाता है, इधर ए माइनस डी हो जाता है, तो इसमें क्या करते हैं, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ए प्लस डी और ए माइनस डी, एक मिनट, ये मेथड को पहले एग्जांपल बताएंगे तब इसके बारे में ये मेथड डेरिवेशन करेंगे। तो इसका मेथड क्या है, ये मेथड कौन सा नंबर है, तो ये मेथड चौथा है, मेथड फोर्थ है, तीन मेथड हमने ऑलरेडी बता दिया है और चौथा मेथड हमारा ये है। और चौथा मेथड क्या है, जैसे सपोज करिए कि आपको 37 का निकालना है, 37 का, तो 37 में अगर हम इसको किसी टर्म में जोड़ें, जैसे इसमें से 13 जोड़ देते हैं, 13 घटा देते हैं पहले, तो 13 घटाएंगे तो कितना होगा, 24 आ जाएगा, और इसमें 13 जोड़ देंगे तो कितना होता है, 50 आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर को गुणा कर देंगे, यानी 24 50, और कितना घटाए कितना गुणा किए, तो यानी 13 13 इधर से किए, तो यानी 13 का स्क्वायर होगा, यानी जो अब 50 से गुणा भाग करना बहुत ही इजी हो जाता है, जैसे 24 का 50 में गुणा करें तो कितना होता है, 1200 हो जाता है। उसके बाद 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, तो 69 और 6931 यानी 1396 आ जाता है 37 का स्क्वायर। इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपको 38 का स्क्वायर निकालना है, ठीक, तो 38 में कितना हम घटा कितना जोड़ देंगे कि 50 हो जाएगा, तो हम 12 जोड़ देंगे तो 50 हो गया, यानी 12 कर दिए, तो ठीक, तो 12 जोड़े तो 12 घटाना भी तो पड़ेगा, तो 12 घटा दिए, तो 12 घटाए कितना हुआ, तो 26 हुआ। अब हम देखेंगे कि इन दोनों को लास्ट वाले जो टर्म है, यानी 26 इंटू 50 प्लस क्या करेंगे, तो कितना का डिफरेंस हुआ, तो 12 का ही हुआ, 12 का हुआ तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो 26 50 कितना होता है, तो 26 50 1300 होता है। उसके बाद 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, तो 144 कितना होगा, 4441 हो गया, ठीक।
अब तीसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी नंबर है, सपोज कीजिए कोई भी नंबर है 41, सपोज कीजिए 41 ही है। 41 में ये कितना ज़्यादा ले, 41 को 50 करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 9 8, मतलब 50 करने के लिए कितना करना, 9 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 50। तो 9 जब ऐड किए तो 9 घटाना भी तो पड़ेगा, तो 9 घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये 32 हो जाएगा, ठीक 32 हो जाए। तो हम देखेंगे क्या होता है, तो 32 इंटू 50 प्लस, और गैप कितना है, तो इधर प्लस, इधर माइनस 9 किए, इधर प्लस 9 किए, तो यानी 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 32 50 कितना होता है, तो 0 और 5 5 10 का 0 और 5 15 एक 16, यानी 1600 और प्लस 9081 यानी 1681। तो इस तरह से हमारा आ जाता है 41 का स्क्वायर 1681 आ जाता है, ठीक। अगर इसको हम टेक्निकली समझे, जैसे कि ये मेथड क्या था, तो मेथड आप समझिए, जैसे कि हम इसमें से क्या जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने को डी बोलते हैं, तो ए प्लस डी कर रहे हैं, ठीक। और इधर क्या घटा रहे हैं, तो माइनस डी कर रहे हैं, तो ए माइनस डी हो जा रहा है, ठीक। तो अगर हम दोनों को गुणा करें तो क्या हो रहा है, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ठीक। उसके बाद क्या हम इसके गैप को क्या कर रहे थे, तो ऐड कर रहे थे, ऐसा हम कर रहे थे एग्जाम्पल में। तो ये क्या है, जैसे ए माइनस डी का स्क्वायर ए प्लस डी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ए स्क्वायर आ जाता है जो वैल्यू है। जैसे जैसे सपोज कीजिए कि ए स्क्वायर हमें निकालना है, तो ए स्क्वायर में हम क्या करें, प्लस डी कर दिए और माइनस डी कर दिए, ठीक। तो इधर हो गया ए माइनस डी और इधर हो गया ए प्लस डी। हम क्या करें, आउटर साइड को गुणा कर दिए, ए माइनस डी और ए प्लस डी कर दिए, ठीक। तो हमारा क्या हुआ, ए माइनस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हुआ। लेकिन इसे बैलेंस भी, जो डी स्क्वायर माइनस हमने घटाया है, इसको जोड़, जो घटाया है उसे ऐड भी तो करना पड़ेगा, तो हम डी स्क्वायर कर देंगे। तो डी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यानी इस तरह से बैलेंस हो जाएगा, ठीक। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि इस बार एग्जांपल कोई अलग लेते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि 29 ले लिए, ठीक। तो 29 में क्या जोड़ेंगे, क्या पहले तो जोड़ना है, और पहले एक घटाना है एक जोड़ना है, ठीक। इधर घटाना है इधर जोड़ना है, सोचिए कि इसको 50 करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 50 करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 21, और इसमें से क्या घटाना पड़ेगा 21 में से, तो इसमें से घटाना पड़ेगा 21, सपोज कीजिए घटा देते हैं 21 घटा देते हैं, तो 21 घटाएंगे तो कितना हो जाता है, 8 1 18। तो हमें क्या मिलता है, इधर इधर तो 50 हो जाता है, लेकिन इधर क्या हो जाता है, 21 21। अगर इधर अगर 29 में से 21 घटाते हैं तो हमें मिलता है 8, ठीक 8 मिलता है, और इधर 29 का, तो हम देखते हैं कि 8 इंटू 50 प्लस, और कितना गैप है, तो 21 का गैप है, तो 21 का स्क्वायर कर दिए, तो कितना हुए, 8 5 40, यानी 400 इधर हो गया, और इधर 21 यानी 441 हो गया। तो हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट 448 हो गया, यानी 841 हो गया, और 29 का स्क्वायर हम जानते ही हैं कि 841 होता है। तो आई थिंक ये मेथड समझ में आया होगा अच्छे से। उसके अलावा कोई भी नंबर आप बोलिए उसके हिसाब से हम करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि 27 है, तो 27 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि 50 हो जाए, 50 कर लेंगे, तो क्योंकि 50 इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि 0 आ जाएगा और आसानी रहेगी, तो इसमें हम 23 जोड़ लिए सपोज कीजिए, तो 23 जोड़ लिए तो कितना हो गया, 50 हो गया, और इसमें से कितना घटा दिए, 23 घटा दिए, तो 23 घटा दिए तो कितना बचा, 4 बचा, ठीक। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, अब स्क्वायर नहीं करना इसमें, तो इसका आउटर 4 और 50, 4 50 कर दिए। उसके बाद जो तीन जो गैप है, गैप कितने का है, इधर 23 माइनस किए, इधर 23 प्लस किए, तो 23 का स्क्वायर हो जाता है, तो 50 और 0 200 ये हो जाता है, इधर 23 का स्क्वायर यानी 529 हो जाता है, तो लास्ट डिजिट 29729 हो जाता है, यानी 27 का स्क्वायर 729 हो जाता है। तो एक बार हम पूरे जितने भी मेथड एक्सप्लेन किए उनको वन बाई वन एक्सप्लेन करते हैं फिर से। जैसे पहला मेथड, मेथड वन क्या था, तो मेथड वन था जैसे कि
जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी संख्या है 25, 35 है, तो 35 का स्क्वायर निकालने के लिए हम जो नॉर्मल ऑर्डिनरी मेथड लोग करते हैं कि ऐसे करते हैं, लेकिन ये मेथड हमें नहीं करना है क्योंकि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है। उसके बाद मेथड टू, जैसे 35 का स्क्वायर करना है तो 35 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, 25 से कितना ज़्यादा है, तो 25 से 10 ज़्यादा है, 25 से 10 ज़्यादा है तो 10 यहाँ पर लिख लेंगे। दूसरा, ये 50 से कितना कम है, तो 15 कम है, तो 15 का क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर कितना, 225 होता है, तो 25 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ पर कैरी हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाए 5221, यानी 1225 इसका आंसर हो जाता है। ये मेथड टू था। उसके बाद मेथड थ्री क्या था, 35 है, तो 35 में हम क्या जोड़ें कि ये 50 हो जाए, तो इसको जोड़ने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जैसे कि इसको 15 जोड़ दिए, ठीक, तो 15 जोड़ दिए तो ये 50 हो गया, और इधर 15 घटा दिए तो 15 घटा दिए तो कितना हो गया, तो 15 घटा दिए तो कितना, इधर 15 जोड़े 15 घटा दिए, यानी ये 20 हो गया, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 20 और 50, और गैप कितना था, 15, 15 स्क्वायर, तो 20 50 कितना होगा, 100, 1000, 2 0 और 1 10, हाँ। और इसके बाद इधर 225, तो इसका कितना वैल्यू है, 225 इसका आंसर आ जाता है मेथड थ्री से। उसके बाद इन सब चीज़ों को याद करें, जैसे कि अब हम बड़े नंबर पर बात करते हैं, जैसे कि 57 निकालना है, 57 निकालना है, तो 57 पर कैसे करेंगे, तो 57 में एक कितना ज़्यादा हो रहा है, 7 ज़्यादा हो रहा है, 50 के, इस बार 50 के रेफरेंस में लेंगे, तो 50 से कितना ज़्यादा है, तो 50 से जो भी ज़्यादा है, यानी 50 से जैसे 57 हमें निकालना है, तो 57 निकालने के लिए हम ये मेथड टू का यूज करेंगे जो कि ज़्यादा ईजी पड़ेगा। और जैसे कि इधर अगर हम 50 लेते हैं, तो 50 में 7 से 14, यानी 57, यानी 73, यानी 64 हो गया इधर, और इधर 7 घटा दिए तो 50 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई किए तो 64 × 50 और प्लस 7 का स्क्वायर 49, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 20, और इसके बाद 30 × 32 100, और इधर 49, यानी इसका भी कैलकुलेशन करके 5249 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी इजी हो जाएगा। दूसरा, अगर इसको 57 को ऐसे करना है, तो इस मेथड से भी कर सकते हैं कि 25 से कितना ज़्यादा है, और 25 से कितना, 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये 50 से 7 ज़्यादा है तो 49 हो जाता है, और 25 से ज़्यादा यानी 25 × 7 = 32 होता है, तो 32 का स्क्वायर मतलब 32 और 49, यानी 32 × 49 हो जाता है। तो आइए मेमोरी बेस्ड कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आपको 77 निकालना है, तो 77 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 77 निकालने के लिए आपको मेथड 25 से कितना ज़्यादा है, तो 25 से 50 और 52 ज़्यादा है, ठीक। उसके बाद कितना है, इस बार हम 100 के रेफरेंस में लेंगे, तो इसमें 100 के कितना है, 27, तो 27 का स्क्वायर, जैसे कि इसका दूसरा मेथड से समझिए, जैसे कि 75 निकालना है, तो 75 निकालने के लिए हमारे पास जितना ज़्यादा करेंगे उतना, जैसे 78 निकालना है, तो 78 निकालने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, तो 78 निकालने के लिए हम 100 के रेफरेंस में लेते हैं, तो 78 निकालने के लिए ये 22 ज़्यादा है, 50 से 20, ठीक। जैसे कि हम तीनों मेथड का ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, जो कि इस तरह था। उसके बाद 12 स्क्वायर, जैसे ए माइनस डी का मेथड था कि कैसे करना था, कि ए स्क्वायर निकालना था, उसके बाद ए प्लस डी डी का ऐड करना था, एक डी में माइनस करना था, तो ए माइनस डी फॉर्मेट हो गया, और उसमें से डी, तो इस तरह से ए माइनस डी हो जाता था, एक तरफ से ए प्लस डी हो जाता था, दोनों को मल्टीप्लाई ए माइनस डी और ए प्लस डी हो जाता था, उसके बाद डी स्क्वायर कर देते थे तो ए स्क्वायर आ जाता था। जैसे एक सपोज कीजिए कि 525 निकालना है, तो 525 में क्या करेंगे, तो 3 का हाफ कर देंगे, 3 स्क्वायर का 9 हो गया, और 9 में 9 कर दिए, उसके बाद 3 है, 3 का हाफ कर दिए 1.5, 1.5 को ला के इधर जोड़ दिए तो 10.5 हो गया, और 10.5 में से 10 को 105 हो गया, और इधर
5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर 625, यानी 105 और 625 इस तरह से आ जाएगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे कि यहाँ पे पहले इस डिजिट को 3 कर दिए तो 9 हो गया, और 9 में दूसरे फिर इसका हाफ कर दिए तो यानी 10.5 हो गया, तो 10.5 का इसमें 10 में मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे कि आपको 625 निकालना है, इसी के थ्रू करिए, समझिए। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो 6 का स्क्वायर होगा 36, ठीक। उसके बाद 6 का आधा कितना होगा, 3 होगा, तो 6 और 36 और 3 कितना होगा, 39। 39 में किसका मल्टीप्लाई किया, 390 हो गया, ठीक। उसके बाद 390 हो गया, और इधर 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 25 को स्क्वायर कर दिया तो 625 हो गया, यानी 390625 आंसर हो जाएगा। यानी 625 का स्क्वायर निकालना था 69205, सेम प्रोसेस इसका आप कर दिए। इसी तरह से वही सेम क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे 104 का निकालना है स्क्वायर, तो 104 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 104 में और 4 ऐड कर देंगे, जो ज़्यादा है उसमें 4 और ऐड कर देंगे। उसके बाद 4 का स्क्वायर कर देंगे यानी 16, तो 108 और 16 यानी 108 और 16 हो गया, ठीक। जैसे 105 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें से क्या करेंगे, तो 105 तो है ही है, 105 में 5 और 105 प्लस 5 और जोड़ दिए तो कितना होगा, 110 हो गया, ठीक। और 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 कर दिए तो एक कितना हो गया, 1025 हो गया। उसी तरह 106 का निकालना है, तो 106 का निकालने के लिए कितना होगा, 112 हो गया, और इधर 6 का स्क्वायर कर दिए तो 36 हो गया, यानी 11236 हो गया, ठीक। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए 107 निकालना है, तो 107 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 107 प्लस 7 इजकल टू 114, उसके बाद 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो इसको लिख दिए 49, यानी 11449 हो गया। इसी तरह वही सेम, जैसे 32 का स्क्वायर निकालना है, तो 32 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 1024, तो 32 को कैसे टर्म में डिवाइड किए, दो बढ़ा दिए दो घटा दिए। जैसे 32 है, जैसे हमने पहले ही बताया था कि 32 में दो बढ़ा दिए, जैसे दो बढ़ा दिए तो कितना होगा 34, और दो घटा दिए तो कितना होगा 30, यानी 34 30 का मल्टीप्लाई कर दिए, और 34 30 का मल्टीप्लाई कितना होगा, तो 1024, और गैप कितना था, तो गैप था दो का, तो दो का स्क्वायर कर दिए, यानी दो का स्क्वायर मतलब 1024 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी 1028 इस तरह से हो गया। जितना गैप, जैसे 33 है तो 33 को करने के लिए 33 में क्या करेंगे, तो 33 है तो 33 में तीन तीन बढ़ा दिए और तीन घटा दिए, तो तीन बढ़ा दिए यानी 1 36 हो गया, 1 30 हो गया, तो 36 30 का गुणा कर दिए, और उसके बाद तीन का गैप है तो तीन का स्क्वायर कर दिए, यानी इस तरह 36 30 और प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9। तो इस तरह से सॉल्व करें तो 36 30 9, 36 का 36 36 72, 36 96, यानी 960 और प्लस 9 यानी 969 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह 44 है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो